भाई साहब को अलग ही रूप नहीं दिखा आज? हाँ, बहुत शर्मा रहे थे। मतलब शादी को तो पूरा मन बना हुआ दिखा था उनका। हो सकत है। तो अपन कछु करें का बा में? बा, उनने तो बम्बई से भगी भगाई पूरी की पूरी स्वीटी हम पे मर दई है कि बा एवज में अपनी गुड़िया की शादी करवा देंगे। बा के बारे में तो को कछु सोच नहीं रहो, उल्टे हम और समधी जी की शादी करवाए। बा, उल्टी गंगा भावे में तुम्हारा जवाब नहीं है राजा जी। कमाल है, तुम उनके सामने तो जाहिर नहीं होने देती कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और पीठ पीछे देख लो। आओ, तो भी अच्छे इंसान है, अपने कितने काम आते हैं, सहृदय हैं। हाँ, तो एक सहृदय मन के व्यक्ति को यदि एक सहृदय मन की जीवन संगिनी मिल जाएगी तो तुम्हारा कछु घट जाए का? घटना जय है, बढ़ जय है, जबरदस्ती को प्रेशर। जाने कैसी समधन जी आएंगी, बाकी बात समधी जी भी कितने अपने रहेंगे का पता। अबे तो अपने कंट्रोल में रहते हैं, बाकी बात को रुकत है। बुढ़िया जाओ बेटा, तो जिया के पास जाके बैठो। ओ भैया, हमारे भोले बाबू जी कितनी फिक्र कर रहे हैं हमारे बैठबे की, इतने बैठ जाते हैं। देखो हम जो कह रहे हैं सो करो, जाओ उधर जिया के पास जाके बैठो, अकेली हुई है। हाँ, चले जाएंगे, पर बाकी बदले में हमें जलेबी खिला दियो प्लीज। हाँ। इनके चक्कर में चुप हो गए थे हम, अब बताओ क्या कह रही थी तुम? कछु नहीं, हम जे कह रहे थे कि समधन आके पता नहीं का पंचायत करेंगी फालतू की, ऊपर से स्वीटी से भी सौतेली माँ ने कछु 3-5 करी, सबरा इल्जाम अपने ऊपर आएगा कि इनने करवाई है शादी। हम तो का कह रहे, अपन तो दूर ही रहते जब मामला से। छी 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 छी, बहुत ही छोटो मन है यार तुम्हारा तो, हमें तरह सारा है तुम्हारी बुद्धि पे, समझी? राजा जी, बॉलिंग करके कितने भाग रहे, ये तो देख लो, तुम्हारी बात पे हमने छक्का मारा के चौका। काय काय, पहले हमने जे नहीं सोचा, बेचारे हमारे पापा कब से अकेले रह रहे, अगर हमने पहले अपने पापा की शादी के बारे में सोचा होता ना तो ऐसे सब आज हंस नहीं रहे होते हमारे पापा पे। पापा सॉरी सॉरी। ओ भैया, सूटी भाभी, तुम्हारी ने मैं देख के ऐसे खुद को सॉरी सॉरी नहीं बल्कि थैंक यू बोलो। तुम्हें पता है हमारी बोली अम्मा तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी कि क्या बताएं? कितनी गुड़िया इतनी कि कह रही थी कब पता कैसी समधन आएगी, समधी जी भी कितने अपने रहेंगे ये भी तो नहीं पता ना, हमें तो भी अपने कंट्रोल में रहते हैं, फिर कितने को रुकत है। और हमारी बोली अम्मा को तो ना तुम्हारी चिंता हो रही थी कि अगर हमारे बोले चाचा जी तुम्हें छोड़ के कितने चले ना जाए। बिल्कुल सही कह रही गुड़िया, अम्मा को हमारी बहुत ही चिंता होता है। अम्मा की ये चिंता तो हम बहुत ही जल्दी मिटा देंगे अपने लिए एक बहुत ही अच्छी माँ ढूंढकर। तो कहा जिया, हमारे चाचा जी ऐसे शर्माते रहेंगे हमेशा, उनको कोई भी नहीं मिलेगी। काई नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, हमारे अम्मा बाबू जी तो कछु करेंगे नहीं सूटी भाभी की चिंता में, और हम क्या कह रहे, चाचा जी अपने इतने भी तो आके रह सकते हैं ना हमेशा। अब इससे ज्यादा क्या रहेंगे, हरदम तो हमारे साथ रहते। खास उनके घर में भी कोई अम्मा बाबू जी जैसा बड़ा होता तो उनकी शादी की फिक्र कर पाता जैसे हमारे भोले अम्मा और बाबू जी हमारे लाने करते हैं। हम मर गए का? हा? हम करेंगे अपने नन्हे की शादी। तुम क्या करोगी हमारी भोली जिया? हमारी सहेली है ना पुष्पलता, बेबाली जिनकी 6 बार झूठी खबर उड़ गई थी कि बेनिपट गई। हाँ, उनकी पोती है, बाने शादी नहीं करी, अब सुनने में आया है कि उसने मूड बना लिया शादी करने को। उससे बात चलाते हैं, जा को फोन लिया। बहुत ही सालों बाद काम मिला है जोड़ी जमाने का, अब आएगा मजा। सजीली आंटी, आंटी आज हमें पता चला कि काय हमारा मन आपके पार्लर की ओर बिन पतंग की डोर की तरह खींचा चला जाता है। हमारे उते उते आके बात करेंगे। ए यार,
का होगा बाबूजी? अरे होना का यार, कल तुमने देखी नहीं शादी के नाम पे कैसे महक लहक के बात कर रहे थे भाई साहब? तो हमारे मन में आई तो हमने कही भाई साहब की शादी कर, साफ साफ मना कर, हमें लगी हजार पंचायत करने, हमसे कह रही है कि भाई साहब की मतलब समधी जी की अगर शादी करवा देंगे तो कितना घाटा हो जाए। क्या पापा जी ने आपसे कही कि उन्हें शादी करनी है? काहे तुम नहीं ते कहते, इतना बड़ा आदमी के अपने मुंह से खुद बोलेगा कि हमारी शादी करवा दो? शर्मा शर्मा के धरती में गड़े गड़े जा रहे थे। आराम से आराम। हाँ पप्पू, बेटा एक बात ध्यान रखियो, मजबूर की मदद करने में कभी संकोच नहीं करना, समझ गए? हमें जो बताओ, वो आज मंगनी कल ब्याह मेरे ब्यूरो वालों का बेटा तुम्हारा दोस्त है ना? संतोष ना? हाँ हाँ, करो उनसे बात भाई साहब की शादी के लाने। पक्का बाबूजी? यार तुम्हारे बाबूजी ने आज तक कभी कोई कच्ची बात करी है का? नहीं वो हम करते हैं बाबूजी, बट हमारे जहन में एक बात आ रही थी कि एक बार खुल के अच्छे से पापा जी से बात कर लेनी चाहिए। हमको करनी है ना बात? हाँ कर लेंगे, चलो चाय पकौड़ा अपनी निकलो इतने से, चलो। उस्ताद यार तुम्हारी प्रैक्टिस अभी तक चल रही है? चाचा जी तब से जई में लगी हो का? हाँ हाँ चाचा जी, जी मंडप बेचारो जब से सू नहीं पड़ो तो, लेकिन हमने सोची कि जाए भी तनक रेस्ट दे दे। ओ, लोटा पानी बेटा हमने भी खेलो बचपन में, मगर इतना तो लंबो नहीं। समधन जी नहीं दिख रहे? बिना पहाड़ी वाले बाबा की ते गई है चाचा जी, अब पक्की में जी मन्नत मांग भी गई हुई है कि कितनों आपकी शादी ना हो जाए। का बेटा तुमने एक बार फिर से कही है? हमारी बिचारी अम्मा बहुत ही चिंता कर रही है आपकी कि कितनों आपकी शादी हो गई तो आप कंट्रोल से बाहर हो जाए हो, पता नहीं कितनों की कितनों चले गए, फिर हमारी छोटी भाभी को का हुई है, बहुत ही चिंता कर रही थी हमारी भोली अम्मा सही में। आपके कंट्रोल से हम कैसे निकल सकते हैं समय? वैसे भी आपकी परेशानी की असली वजह हम समझ सकते हैं। भाई साहब ये आ जाओ दुकान में। हाँ हाँ साहब आ रहे। समझी जी हो गए नॉर्मल, सुबह तो बहुत शर्मा शर्मी में निकल गए थे आप। वो तो भाई टेम को मजाक है तो? आप बहुत ज्यादा ही लंबो खींच रही हैं मजा। अच्छा मजा आ रहा हो आपको हमारी टांग खींच हुए में? हाँ आ तो रहा हो। भाई साहब से मिलने हो? हाँ। अम्मा हमें प्रसाद दे दो। ले ले लो, यही तो आपकी खासियत है, हम बुलाते हैं और आप दौड़े चले आते। अरे जा भी तो देखो आप के बुला कौन रहा है। प्रसाद। हाँ। अरे बैठो बैठो कितने जा रही है, हमारे साथ भी बैठो कभी। एक बात तो है भाई साहब, हाँ ये तनक सी देर के लिए कहीं चली जाती है तो सन्नाटा मच जाता पूरे घर में। अम्मा जी प्रसाद हमें दिए जाओ, फालतू वेस्ट हो जाए, हम तो खाई लेंगे। आपको तो सुनो लगा तो ही है घर में अकेले में। हाँ लगत तो है साहब, पर क्या करें, जैसा भगवान ने जीवन दे दो जी रहा है बस, झेल रहा है मतलब आप तो ये समझो। सुबह अपने हाथ से चाय बनाई और खुद ही को बेटी परोस देते, कछु खाओ कछु नहीं खाओ, ऐसे ही निकल गए दौड़ गए ड्यूटी पे, और ड्यूटी से वापस आ रहे हैं समधन जी, खुदाई ताला खोल रहे घर को, अपने अंदर जा रहे, और इंतजार कौन कर रहा हमारा, घनघोर सन्नाटा। यार कितनी बार हम सोचे थे तब दिमाग में आते भाई साहब, यार ऐसा नहीं हो सकता के यार कोई हमारा ना दरवाजा खोले, हमारी तरफ प्यार से देख ले, कोई हमसे जा पूछ ले,
कि रोटी खाई नहीं खाई समय पे, आज थके हुए लग रहे हो, इतनी देर काय लगा दी, मतलब कछु ऐसो। चाचा जी हमें बता दो ना, हम रोज शाम को जाके दरवाजा खोलाया करेंगे आपका। कहो अम्मा। बेचारी अम्मा फिर से परेशान होकर चली गई। पापा 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 इतने आओ पापा, हम आज आपसे कछु मांगे तो आप हमें दोगे का? बेटा आज तक हमने कोई बात खिलाने आप खुमाना करो है। पापा हमें आपकी बहुत चिंता होते है कि आप सबरे काम अकेले कैसे करत हुई हो। आदत पड़ गई बेटा, सब हो जाते कर लेते। पापा तो हम सोच रहे थे आप शादी कर लो। पापा पगल आ गई के बेटा, अरे तुम ऐसे सोच भी कैसे सका तो? हाँ, बिल्कुल नहीं। हम नहीं सोचे तो और कौन सोचे हा? और वैसे भी आप वो समधन जी के बहुत सगे बनते हो ना, आपको पता है पापा ये बात सुन के अम्मा कितनी जल गई थी। कितनी? इतनी। अच्छा यार, हम समधन जी को जलते हुए काहे नहीं देख पाए पापा। हाँ बेटा। पापा प्लीज हाँ कर दो ना। अब बेटा ये बात ऐसी थोड़ी है, मतलब बैठेंगे समझेंगे मिलेंगे देखेंगे, थोड़ा जिंदगी जिंदगी भर को है वो ना बेटा। हाँ हाँ पापा, हम आपको अपनी होने वाली अम्मा नहीं 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 माँ माँ से मिलवाएंगे। हाँ पर पापा एक बात का ध्यान रखना कि ये बात अम्मा को नहीं पता चलनी चाहिए। समधन जी का है? आप ही तो बता पापा का है। हाँ कितनी कितनी जलन। हाँ सही पापा। अरे संदीप जी आओ। वो फोन आओ तो कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ तो बार मने नहीं करना है भाई साहब, नहीं तो बेहर हो जाए। क्या मना नहीं करना? अरे देखो हम जाना थे भाई साहब, शादी में कुछ ग्रेट तो होत नहीं है, पर एक किस्मत से परफेक्ट मैच में लगा हुआ है आपके लाने, जिससे तो कॉलेज के जमाने की बात होती। अब हम देखें कि क्या बारे में अभी सरला देवी से कुछ कहने नहीं है, उन्हें पता नहीं चलने चाहिए। का है? अब हम बताएंगे आपको, एक्सप्लेन करेंगे डिटेल डिटेल। नन्ही जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। आपको भी? हाँ चलिए चलिए हमारे साथ चलिए। कहाँ? अरे बैठे 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 हमारे पास। शादी तो क्या करेंगे समधन जी, पर जय बहाने जरा देखें तो क्या आप जलती भाई लगती कैसी। क्या सोचती हो? अब आप बुजुर्गों में हैं तो आपकी बात टाल भी नहीं सकत तो बढ़िया। चाचा जी हम आपकी शादी की कार्ड पे लिखवाएंगे
हमारे भोले चाचा जी की शादी में जरूर जरूर आना। गाँव बसो नहीं है अभी से जो है डकैत आ रहा है। आइए आज आपको हम सुनाते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ऐसे तो विवाह कई प्रकार के होते हैं, पर सभी प्रकार के विवाहों में से प्रेम विवाह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम विवाह होता क्या और कैसे है, तो उसके लिए सबसे आवश्यक होता है प्रेम करना। प्रेम भी कई प्रकार का होता है, चंचल प्रेम, सरल प्रेम, भावुक प्रेम। हाँ, समझ गए। भाभी भाभी भाभी, हमें बधाई दे दो। ओ से गुड़िया, जे तुमने क्या कर दिया? ओ भैया, हमने क्या कर दो? जे पानी की बूंदे नहीं गिरा दी हमारे मुंह पे, हमारे सारा मेकअप खराब कर दो तुमने गुड़िया। हाँ भाभी, जे कहा तुम्हारा मेकअप तो और अच्छा होगा, ऐसा लग रहा तुम्हारे मुंह पे बढ़िया उसकी बूंदे बूंदे गिर गई। सच्ची गुड़िया? हाँ, अब हमें बधाई तो दे दो। बधाई हो, बधाई हो, बहुत है बहुत है बहुत है बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। गुड़िया गुड़िया सुनो, इतने आओ। हाँ? बैठो तो सही। अब हमें जे बताओ कि बधाई कहाँ के लाने मांग रही? सूटी भाभी, हमें ना आज प्रेम विवाह की अहमियत समझ में आ गई है। अच्छा गुड़िया, यानी कि लव मैरिज? हाँ भाभी, लव मैरिज। अब हमारी भोली जिया ने आशीर्वाद तो दे दो है चाचा जी को, तो उनकी शादी तो होनी होनी है। और हम ना खुद को वचन भी दे रहे हैं कि उनकी लव मैरिज के लाने लग तो हम करवा के ही रहेंगे। काय गुड़िया? काय से की विवाहों में सर्वश्रेष्ठ होते प्रेम विवाह, तो हमारे भोले चाचा जी की शादी में जरूर जरूर आइयो। हमारे पापा की शादी करा के उसका सारा क्रेडिट कोई और ले जाए? नहीं, हम नहीं होने देंगे। हमारे पापा है तो मम्मी भी हमारी पसंद की आएगी, हमारे जैसी मिसेज सीप्री। हम आ गए। हाँ, दिख रहा है हमें। कब से तुम्हारा दूध तैयार रखो है? जाने कौन सी पंचायत में लगी थी, और नहावे के बाद को करते मंजन? हम करते। ले ओ। ओ तैया के बात करते हैं। बोलो। तुम बाहर तो जाओ, तना प्राइवेट वाली बात करनी है। हम बाहर चले जाए हैं तो प्राइवेट वाली बात कैसे करो हमसे हैं? ओ भैया, तुमसे नहीं या करनी, हमें तो इनसे करनी है हमारी भोली अम्मा। इनसे? हाँ, चली जाओ प्लीज। हमारी ग्रेट लेडी तुम्हारी कितनी पूजा करती हैं, तुमके बिहाफ पे हम तुमसे कह रहे। हमारे भोले चाचा जी है ना, उनकी लव वाली मैरिज करानी है तुम्हें। अब हमारी भोली जिया ने पुष्पलता मौसी की मौड़ी से चाचा जी की शादी की बात तो कर ही ली है, तो तुम्हें कसम है हमारी ग्रेट लेडी की, अगर ये शादी तुमने लव वाली मैरिज नहीं कराई तो। ठीक है, क्या चल रहा है? काय के लाने हमारी फालतू में कसम चढ़ा रही थी भगवान जी को? ओ भैया, तुम्हारे काम तो बहुत ही तेज है अम्मा। सही में हमारे हाथ भी बहुत तेज है और गलत भी अच्छे से है। बताओ क्या चल रहा है? बता रहे, पर पहले हमें वचन दो कि तुम अपना मन नहीं दिखाओगी। बढ़िया ही वचन वाली, बताओ सीधे से, नहीं तो बहुत कुटो। जिया का है इतिया के बात करो। काय जिया, इतने बैठी बैठी कागुल खिलाती रहती हो? अब का कर दो हमने? का कर दो? मैरिज ब्यूरो खोल के बैठी हो इतने और पूछ नहीं का कर दो? ये गुड़िया ना बहुत ही बदमाश हो गई है, बहुत इत्ते का उत्ते करने लगी है। हाओ, हमारी मोड़ी बहुत बदमाश हो गई है। और जिया तुम क्या हो गई हो? एक आस बची थी आखिरी, सो वो भी तुम छीने ले रही है। हमें लग रहा होता कि हमें समधी जी हमारी मोड़ी के लाने अच्छो सा रिश्ता ले आएंगे, पर तुम उनकी भी शादी कराए दे रही। अब जाने कैसी समधन आएंगी। जल कुकड़ी, सबके सब तुम्हारे जैसे न होते। हाओ, बहुत बुरे हैं हम जिया।
और तुम हमें ये बताओ कि तुमने हमारे समधी जी की शादी की बात चलाई तो कैसे चलाई हमसे बिना सलाह लिए? हाँ, कर दी हमने शादी की बात, क्या कर लोगी, कर लो जो करना है। क्या कर लेंगे दिया, हम क्या कर सकते हैं? बच्ची खुची एक आस थी, सुबह भी छीने ले रही।